बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी होस्ट एक नए ग्रीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाने लगे हैं बनाना एंड आलमंड स्मूदी, दैट इज़ अगेन वेरी एनर्जेटिक एंड मॉर्निंग बूस्टर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। इसके लिए हमें चाहिए 2 बनाना, 2 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून आप आलमंड पाउडर ले लें। आलमंड पाउडर जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल होता है, और अगर आप घर में बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। सिंपल आलमंड्स लें, उसको ग्राइंड करें चॉपर में या ग्राइंडर में, तो वो पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। उसको रख लें और उसको यूज़ करते रहें मॉर्निंग में और किसी भी चीज़ में। और हमें चाहिए 1 ग्लास मिल्क, पिंच इलायची पाउडर ले लें आप। तो इसके उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले जग आप ले लें। बनाना मैंने पील करके डाल दिए जग के अंदर। अब आप इसके अंदर डालें 2 टेबल स्पून शुगर, ऐड किया आपने 2 टेबल स्पून, आपने आप ऐड करेंगे इसमें आलमंड पाउडर, और पिंच इलायची पाउडर जैसे मैंने आपको बताया वो आप ऐड कर लें, बिकॉज इट विल गिव अ वेरी गुड फ्लेवर। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो इट्स अप टू योर चॉइस, आप ना ऐड करें, इट्स नॉट कंपल्सरी। आप इसमें मिल्क ऐड करें। कुछ लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, अगर वो शुगर ऐड नहीं भी करना चाहते तो वो ऐड ना करें, इट्स नॉट अ कंपल्शन। लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए और कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, तो इसीलिए इसमें आप शुगर कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें मैंने आइस क्यूब्स, अब हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। उस वक्त मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि शुगर होती है तो अच्छे से मिक्सअप नहीं होता। अगर आप इसमें आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये बेशक साथ ही डाल दें तो ये और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अगेन हम इसको ग्राइंड करेंगे, अच्छे से ग्राइंड करेंगे। हमारा ग्राइंड हो गया है, अब हम इसको पोर करेंगे ग्लास, जैसे कि मैंने पहले रेडी कर लिए थे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि इसको मैंने पहले से रेडी कर लिया था। जो पाउडर हमने आलमंड पाउडर हमने इसके अंदर ऐड अप किया है, उसी को ही आप ग्लास के ब्रिम पे टॉप पे लगा लें तो इट गिव्स वेरी गुड लुक और प्रेजेंटेशन। आई ऑलवेज से कि इट मैटर्स अ लॉट, तो प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है उतनी बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी एक टेम्पटेशन होती है। इसमें आप थोड़ा सा आलमंड पाउडर जो है वो ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं इसे इसमें स्ट्रॉ लगाऊंगी। ये हमारा आलमंड बनाना स्मूदी इज़ रेडी टू बी सर्व। इसको हम चलें जी, माय अनदर ड्रिंक इज़ रेडी टू बी सर्व। आप अपने गेस्ट को सर्व करें या आप खुद पिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको बनाएं घर में और ट्राई करें। तो व्यूअर्स, एज़ यूजुअल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको ट्राई करें और इंजॉय करें यमी आलमंड एंड बनाना स्मूदी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक
दूसरी रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द। तो उसके लिए उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।